नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोगों की जीएस और जीके की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। और ये टेस्ट सीरीज़ यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और बाकी सभी स्टेट लेवल पीसीएस और एसएससी और लोअर आरओ यारओ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक काम करना है कि जैसे क्वेश्चन बोलने के बाद जब भी मैं आंसर बोलूं, जैसे ज़्यादा जल्दी बोल जाऊं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को ईमानदारी से 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टेस्ट सीरीज़ है ये जीएस और जीके की, और ये ऐसे ही चलती रहेगी, अब ये बंद नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी कौशितकीय, ऑप्शन सी ईशोपनिषद, ऑप्शन डी मैत्रायणी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहले नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी कौशितकीय एक यजुर्वेद का उपनिषद नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, कथा सरित सागर की रचनाकार कौन है? कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? विशाखा दत्त, पतंजलि, सोमदेव, क्षेमेंद्र। तो देखिए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी सोमदेव हैं, सोमदेव। ठीक है, कथा सरित सागर के रचनाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन बी प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी नासिक अभिलेख। तो देखिए चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये चार ऑप्शन हैं, ए शंख, बी सांड, सी सिंह और डी सांप। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी सांप है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, ऑप्शन बी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, जगजीवन राम, अबुल कलाम, बलदेव सिंह। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी जगजीवन राम, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद उदारवादी तत्व, कौन से अनुच्छेद में उदारवादी तत्व समाहित नहीं है? मतलब कौन सा उदारवादी जो आपका डीपीएसपी होता है नित्य निषेध तत्व, ठीक है, तो उस अनुच्छेद में आपको बताना है कि किसमें उदारवादी तत्व समाहित नहीं है। ठीक है, कुछ में होता था कि गांधीवादी तत्व, ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये बताना है कि किसमें उदारवादी तत्व नहीं है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 43,
में जो है वो गांधीवादी तत्व समाहित है, उदारवादी तत्व समाहित नहीं है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन, सदन में विपक्ष पार्टी बनने के लिए कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत वोट होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/50 भाग, ऑप्शन बी 1/60 भाग, ऑप्शन सी 1/30 भाग, ऑप्शन डी 1/10 भाग। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1/10 भाग विपक्ष सदन में विपक्ष पार्टी बनने के लिए होता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन, एशिया माइनर का पठार किस देश में है? रूस में, कजाकिस्तान में, तुर्की में, उज्बेकिस्तान में। तो 9वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्की में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, रूस की येनेसी नदी किस सागर में गिरती है? चार सागर दिए हुए हैं, ओखोटस्क सागर, आर्कटिक सागर, नॉर्थ सी और काला सागर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी आर्कटिक सागर में गिरती है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन, कैंजी बांध किस नदी पर स्थित है? नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, जायरे नदी, पराना नदी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए नाइजर नदी पर कैंजी बांध स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, मीठे पानी की दूसरी विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया झील, अरल सागर झील। चार झीलें दी हुई हैं, तो आपको बताना है मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी आपको बतानी है। ठीक है, तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी विक्टोरिया झील है। ठीक है, और पहले नंबर भी कौन सी है मीठे पानी की? सुपीरियर झील है। ठीक है, और कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। 13वां नंबर क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष जारी हुई? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 2008, 2010, 2014, 2012। तो 13वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 2012 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली बार जारी हुई थी। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान किस वर्ष बनाया गया या आया? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1934। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन 14वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन बी 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष पत्र मुद्रा में, ठीक है, पत्र मुद्रा में अशोक के चिन्ह सिंहों का चित्र अंकित किया गया? किस वर्ष से जो पत्र मुद्रा होती थी, ठीक है, तो उस पर सिंहों का अंकन किस वर्ष से हुआ है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, 1952, 1950, 1945, 1947। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 15वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1947 में पहली बार पत्र मुद्रा पर अशोक के चिन्ह में जो सिंह हैं उनका अंकन किया गया था। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, संपदा शुल्क, कस्टम शुल्क, पूंजी लाभ कर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बाकी तीनों डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है,
कस्टम शुल्क जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाखून पर लगी नेल पॉलिश को हटाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? कीटोन, एस्टर, एल्कोहल, एमीन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कीटोन का प्रयोग नेल पॉलिश को हटाने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, किसका अन्य नाम जन्म हार्मोन है? मतलब ये जो तीन हार्मोन, मतलब हार्मोन दिए हुए हैं, इनमें से किसका नाम जन्म हार्मोन है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वासोप्रेसिन और मिलेनोसाइट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन एक जन्म हार्मोन होता है। ठीक है, इसका अन्य नाम जन्म हार्मोन भी है। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक अलैंगिक जनन नहीं है? ठीक है, तो कायिक प्रवर्धन, सॉरी, परागण, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, परागण जो होता है एक लैंगिक जनन है। ठीक है, बाकी तीनों अलैंगिक जनन है। 20वां नंबर क्वेश्चन, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1969। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन का, 20वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों GS और GK की आज की टेस्ट सीरीज समाप्त हो गई। ठीक है, ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन हम लोग डेली देखते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग ईमानदारी से देते रहिए, आप लोगों को नो डाउट बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक, थैंक यू सुनने के लिए।